विश्व एथलेटिक्स चैम्पियनशिप इतिहास रचिले नीरज चोपड़ा आठाशी दशमिक एक सत मिटार जेवलिन निक्षेप कर स्वर्ण पदक अर्जन करिले नीरज चोपड़ा जो बार वर्ल्ड एथलेटिक्स चैम्पियनशिप रूपर पदक लाभ कर नीरजे विश्व चैम्पियनशिप एकाधिक बटा पा प्रथम भारतीय खेलुवै नीरज चोपड़ा सत्ाशी दशमिक आठ दुई मिटारे रूपर पदक अर्जन कर पाकिस्तान अरशद नदीमे उल्लेख्य है विश्व एथलेटिक्स चैम्पियनशिप पाकिस्तान ये हल प्रथम पदक অলিম্পিকত স্বর্ণ পদক জয় করে ভারতবাসীর নাম উজ্জ্বলাই তুলিছে নীরজ চোপড়াই আকৌ এবার আন্তঃরাষ্ট্রীয় পর্যায়ত জিলিকি উঠে নীরজ চোপড়া বিশ্ব এথলেটিক চ্যাম্পিয়নশিপত ইতিহাস গড়েছিলেন নীরজ চোপড়াই আঠাশী দশমিক এক সাত মিটার জ্যাভলিন থ্রো নিক্ষেপ করে স্বর্ণ পদক অর্জন করলে নীরজ চোপড়াই বিগত বর্ষর ওয়ার্ল্ড এথলেটিক চ্যাম্পিয়নশিপত রূপর পদক অর্জন করেছে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপত একাধিক বঁটা পোৱা প্ৰথমজন ভাৰতীয় খেলুৱৈ খিতাপ অর্জন করেছে নীরজ চোপড়া World Championship gold here. And that is another great throw. Neeraj Chopra will take a global gold again. It was the top of the podium in Tokyo. It was silver. Would have probably had these three men to certainly come. भारतवासियों को मैं धन्यवाद बोलूंगा कि आप सभी रात को जाग रहे हैं और सपोर्ट कर रहे हैं. बहुत बहुत धन्यवाद. ये मेडल पूरे इंडिया के लिए है. ओलंपिक चैंपियन बने थे, अभी वर्ल्ड चैंपियन है. कुछ भी कर सकते हैं. आप सभी ऐसे ही मेहनत करते रहो अलग अलग फील्ड में और हमको दुनिया में नाम करना है. हाँ, उसकी मेहनत को देखते हुए जी, ये हमारे परिवार के लिए, हमारे गांव के लिए और अपने पूरे देश के लिए एक बहुत ही सुनहरी मौका है. जो गोल्ड मेडल जीता है ये पूरे भारतवर्ष के लिए एक बड़ा खुशी का पल है. जी, हमारा तो यही है कि जैसे मतलब जितने पेरेंट्स हैं या जितने युवा हैं, युवाओं को भी चाहिए कि जैसे पेरेंट्स बोले उनकी बातों का अनुसरण करें. और पेरेंट्स को भी चाहिए कि जो बेटे को जरूरत है, चाहे पढ़ाई का फील्ड है चाहे खेल का फील्ड है, वो भी जी जान से बच्चों का साथ दें. हाँ, उसकी मेहनत को देखते हुए जी, ये हमारे परिवार के लिए, हमारे गांव के लिए और अपने पूरे देश के लिए एक बहुत ही सुनहरी मौका है. जो गोल्ड मेडल जीता है ये पूरे भारतवर्ष के लिए एक बड़ा. और मेरे पापा मेरे अंकल यहाँ काम करते हैं पानीपत में ही प्राइवेट सेक्टरों में, तो उनके साथ जाना होता तो मेरे पास फालतू टाइम है तो यहाँ बैठ जाता हूँ. मैं प्रैक्टिस के लिए ही करता हूँ. तो ठीक है, वो बोले भाई जब तू खाली बैठा ही है तो हमारे साथ लग जा. तो पहले तो जैसे मतलब वो फेंकते थे उठा के ले आया, उसको उस काम में मजा आना शुरू हो गया. इधर से उधर फेंक दिया, उधर से उधर फेंक दिया, इसी खेल खेल में उसका इंटरेस्ट बढ़ने लग गया. फिर तो उन बच्चों को भी लगा कि जैसा हम चाहते हैं उसके अनुरूप ये बढ़िया कर रहा है, इसकी लगन ज्यादा है और मन से ही सारा काम कर रहा है. तो उन्होंने इसका साथ देना शुरू कर दिया कि हमारे साथ लग जा तू. तो फिर हमें भी एक था, भी हमें गेम के बारे में पता ही नहीं था भी ये जेवलिन क्या है, ये गेम कैसे होगा, इसमें आगे जीवन में क्या क्या होगा. तो फिर वो बच्चे पांच चार साल सीनियर हैं तो उन्होंने समझाया, हमारे को बताया कि अंकल इस गेम में इतना कुछ है भाई, हमारे देश का अभी तक कोई मेडल जीत नहीं पाया लेकिन फिर भी इसमें बहुत आगे फ्यूचर हैं और हम इसके साथ हैं, ये बढ़िया कर रहा है. तो वहाँ चलते चलते फिर कोई नहीं होता. उम्मीद से ज्यादा नीरज ने किया, आगे क्या लग रहा है आपकी, क्या तैयारी जी? आगे भी यही लग रहा है हमारे को कि भाई जैसे उसके अनुरूप चला हुआ है तो ज्यादा से ज्यादा परफॉर्म करेगा और बढ़िया अपने देश के लिए करेगा. लोगों का बधाई देने का जी बिल्कुल, कल शाम से ही जैसे मतलब सभी आ रहे हैं और सभी बढ़िया मतलब पॉजिटिव हमारे को एनर्जी दे रहे हैं. जी माता जी माता जी क्या कहेंगे, बहुत बड़ी अचीवमेंट है नीरज के लिए, लगातार वो जो कहता है वो करके दिखाता है. यह कहूंगा जी, बड़ी खुशी की बात है और सारे भारत को ये मॉडल दिया है बच्चे का और मेहनत करेगी. आगे की क्या उम्मीद है, क्या आगे की भी यही उम्मीद है. वो तो देखो मैदान में जाएगा तब क्या आएगा, नहीं गोल्ड की उम्मीद. कल सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग मैच इसलिए बन गया कि कल पाकिस्तान के साथ मैच था और सेकंड पोजीशन पे पाकिस्तान रहा. देखो जी, बराबर का मुकाबला था, वो तो रही थी भी चलो कोई सा कोई सा तो लेकर आवेगा, जो नीरज पे आ गया. तो मैंने तो अभी बच्चे खूब कर रहे थे और दिए भी कर रहे थे लेकिन किसी न किसी पे तो आना ही था जी. अब ओलंपिक को लेकर क्या तैयारी, उससे बातचीत हुई क्या? नहीं जी, बात नहीं.
रात से या कल से कोई भी नहीं। माता जी आज बात की जाए तो शादी का क्या? शादी की तो देखिए उसका मन करे इतना खेल रहा है जी, जब उसका मन करेगा तो कबेगा तब हो जाएगी। आगे और खेलन की सोच रहा था, आगे और खेल लेगा, हम दबाव दे सकते इस बात को उसके। जैसे ज्वाइंट फैमिली है आपका, अच्छा है कि किसान परिवार से हैं, उसके बावजूद भी यहाँ तक बड़ी खुशी की बात है जी, फैमिली में रहकर फैमिली के साथ चल रहे हैं। আৰু পুত্ৰৰ এই সফলতাৰ পিছত পিতৃ মাতৃৰ সেই গৌৰৱৰ মুহূৰ্ত তেওঁলোকে অনুভৱ কৰিছে আৰু লগতে তেওঁলোকে কৈছে যে জেভলিন থ্ৰো কেনেকুৱা হয়, কি ধৰণৰ প্ৰতিযোগিতা হয় সেই বিষয়ে তেওঁলোকৰ সম্যক জ্ঞানখিনিও নাছিল। কিন্তু এনেকুৱা এটা ক্ৰীড়াত যোগদান কৰি এই সাফল্য অৰ্জন কৰি আজি দেশবাসীক গৌৰৱান্বিত কৰিছে তেওঁলোকৰ পুত্ৰই, আৰু সেইবাবে আজি পুত্ৰক লৈ তেওঁলোক যথেষ্ট গৌৰৱান্বিত অনুভৱ কৰাৰ কথা উল্লেখ কৰিছে। আৰু ইফালে বিশ্ব এথলেটিক চেম্পিয়নশ্বিপত 400 মিটাৰ পুৰুষ ৰিলেত পঞ্চম স্থানত থমকিল ভাৰতীয় দল। 2:59.05 ৰিলেত পঞ্চম স্থানত থমকি ৰয় ভাৰতীয় দলটো। হাংগেৰীৰ বুদাপেষ্টত অনুষ্ঠিত বিশ্ব এথলেটিক চেম্পিয়নশ্বিপত এছিয়াৰ অভিলেখ ভংগ কৰি প্ৰথমবাৰৰ বাবে ফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰিছিল ভাৰতে। ৰিলে দলটোত থকা খেলুৱৈসকল হ'ল ক্ৰমে মহম্মদ আনাছ ইয়াহিয়া, আমোছ জেকব, মহম্মদ আজমল, ৱাৰিয়া থোডি আৰু ৰাজেশ ৰমেশ। We'll have a closer look at that third and final spot, but well done India, well done the US, and who will get that third auto qualified? So that's India's very first team, Trinidad and Tobago. That was a big upset.